हाय एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ आज एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, ये गैस चूल्हा हमारे घरों में जो चलता है आप देख रहे हैं, ये डबल चूल्हा है, एलपीजी गैस से चलने वाला चूल्हा। तो फ्रेंड्स होता क्या है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप गैस चूल्हे में एक फॉल्ट आता है उस फॉल्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ और उस फॉल्ट का सलूशन भी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आप इस वीडियो को देख कर अपने घर के चूल्हे में इस तरह के फॉल्ट को आसानी से रिपेयर कर सकेंगे मेरी इस वीडियो को देखकर। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, ये डबल चूल्हा आप देख रहे हैं हमारे घरों में चलता है एलपीजी गैस से। होता क्या है फ्रेंड्स, जब हम इस चूल्हे को लाइटर की मदद से जलाते हैं, ये आप लाइटर देख रहे हैं, मैंने वहाँ से फ्रेंड्स इसका कनेक्शन गैस सिलेंडर से कर दिया है। तो जब हम लाइटर से इस गैस स्टोव को जलाते हैं तो इस तरह का फॉल्ट आता है, भक भुक की आवाज़ आती है, यानी हमारे गैस चूल्हे में धमाके की आवाज़ होती है और हम डर जाते हैं। तो भक भुक की आवाज़, वो धमाका अभी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। तो चलिए देखिए, मैं इसको जलाने वाला हूँ। ये रहा लाइटर, लाइटर को मैंने इसके बटन को ऑन किया, गैस चूल्हे के बटन को यहाँ से ऑन किया और इस पर लाइटर को जलाया। देख रहे हैं आप, यहाँ नीचे आग जल रही है इसके पाइपों में, आवाज़ वहाँ तक नहीं जा रही होगी, तो यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ। इसके अंदर आवाज़, यहाँ मिक्सिंग ट्यूब जो आप देख रहे हैं, ये अंदर थोड़ा जूम कर दूँ, ये जो आप मिक्सिंग ट्यूब देख रहे हैं इसके अंदर आग पहुँच जाती है, इसके अंदर आग जलने लगता है इन पाइपों में। इस बर्नर के ऊपर जलने के बाद आग अंदर पहुँच जाती है और यहाँ ऊपर आग नहीं जलती है, यहाँ तेज़ी के साथ धमाके के साथ गैस जलती रहती है यहाँ अंदर पाइपों में। तो मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ, मैंने इस लाइटर को लिया और इस बटन को यहाँ से ऑन किया। चलिए मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ, यहाँ से मैंने गैस को ऑन किया और लाइटर को मैंने जलाया। देख रहे हैं तेज़ी से यहाँ अंदर गैस जल रही है, इस तरह से देख रहे हैं अंदर यहाँ गैस जल रही है फ्रेंड्स, आवाज़ भी आ रही है। तो इस तरह का फॉल्ट आता है, ये छोटे बर्नर में इस तरह का फॉल्ट हो रहा है, चलिए बड़े बर्नर में भी देख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से गैस को ऑन कर दिया फ्रेंड्स, इस पर मैं लाइटर मारता हूँ, आप देख रहे हैं तेज़ी से यहाँ जलता है, लेकिन बुझने के बाद यहाँ अंदर आग पहुँच जाती है और इन पाइपों के अंदर अभी आग जल रही है, ये आवाज़ आपको आ रही होगी, यहाँ अंदर आग जल रही है। तो दोस्तों, इस तरह से बर्नर से ऊपर से आग बुझ करके इस मिक्सिंग ट्यूब में नीचे आग जलने लगती है, यहाँ इन पाइपों में यहाँ से यहाँ तक आग जलने लगती है, इसलिए तेज़ी से भुक भक की आवाज़ आती है, धमाके की आवाज़ आती है, इन पाइपों में गैस जलने लगती है फ्रेंड्स। तो यही चूल्हा आपका लाइटर से इस तरह की समस्या बताता है, लेकिन जब आप माचिस से जलाएंगे तो यही फॉल्ट आपको सही नज़र आएगा। यदि लाइटर से जलाने पर इस तरह से फॉल्ट बताता आपका चूल्हा, यहाँ मिक्सिंग ट्यूब के अंदर जलने की तेज़ी से आवाज़ आने लगती है, भक भक की आवाज़, धमाके की आवाज़ के साथ यहाँ पाइपों में गैस जलने लगता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम यदि आपके चूल्हे में आता है तो लाइटर की जगह फ्रेंड्स इस तरह का माचिस आप ले लीजिए, माचिस से जला सकते हैं। देखिए, माचिस को मैंने लिया है, इसको माचिस से तीली से जलाता हूँ, तुरंत ये देख रहे हैं ये जल गया, और इधर का भी मैं जलाता हूँ तो तुरंत ये जल जाएगा, और ये देख रहे हैं आपका चूल्हा ये जल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये माचिस से इस तरह से आप जला सकते हैं, लेकिन लाइटर से नहीं जलेगा। कभी कभी यही फॉल्ट और जब बढ़ जाता है फ्रेंड्स, यदि आप माचिस से भी जलाएँगे, मैं आपको इसी वीडियो में बता दूँ, इस तरह से आप माचिस से इसको जलाएंगे भी ये तो जलेगा, तेज़ करने पर जलेगा, लेकिन एक कंडीशन आती है जब इस तरह से धीमा कर देंगे, भक भुक की आवाज़ के साथ ही बुझ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये जल रहा है, जैसे ये माचिस हमने जला दिया, जल रहा है, तेज़ है, फुल पे है बैलून, जैसे हम इसको बिल्कुल सिम कर देंगे, धीमा कर देंगे, तैसे ये भक की आवाज़ करके ये बुझ जाएगा यहाँ, और ये भी भक की आवाज़ करके बुझ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, चलिए इसके सलूशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, क्या दिक्कत है, ये जो बर्नर आप देख रहे हैं, ये दोनों बर्नर, ये ब्रास का नहीं है, लोहे का है फ्रेंड्स, ये कास्ट आयरन का बर्नर है, और इसका जो है सुराख, काफ़ी गर्म बर्नर, मैं बर्नर पर इसको रख करके दिखाता हूँ, इसका सुराख आप देख रहे हैं, इस नए पर जिस तरह से इसका सुराख होता है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये काफ़ी गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, इसे दिखाने में दिक्कत हो रही है, इस तरह का सुराख आप देख रहे हैं, सारे सुराख इसके काफ़ी चौड़े हो चुके हैं, काफ़ी चौड़े सुराख हो चुके हैं फ्रेंड्स। बर्नर का सुराख इस तरह से काफ़ी चौड़ा हो जाता है, लोहे का एक गल करके चौड़ा हो जाता है, ये छोटे वाले का भी वही हाल, देख रहे हैं इसका सुराख सब
बेटोल हो गया, बेढंका हो गया है, चौड़ा हो गया है काफ़ी, तो सिर्फ बर्नर का ये सुराख गल करके ये काफ़ी चौड़ा हो जाता है, इसलिए प्रॉब्लम आती है जब हम लाइटर से इसको जलाते हैं तो भकभक की आवाज़ें करता है, और ये मिक्सिंग ट्यूब में पाइपों के अंदर यहाँ गैस जलने लगती है और धमाका भी, धमाके की आवाज़ सुनाई देती है, तो हमें डर जाते हैं। तो डरना नहीं है, इस तरह की समस्या आती है तो आप माचिस से जला सकते हैं, नहीं तो इसका अस्थायी समाधान क्या है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। अस्थायी समाधान के लिए इन दोनों बर्नर को आपको चेंज करना होगा, और फ्रेंड्स इस बर्नर को ही हम नया लगा देंगे। एक कास्ट आयरन का बर्नर आप देख रहे हैं, हम कास्ट आयरन की जगह ब्रास का भी बर्नर लगा सकते हैं, वैसे जहाँ तक हो सके ब्रास का ही बर्नर लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका सुराख इस तरह से जंग लग के गल कर ख़राब नहीं होता और ये काफ़ी लंबा चलता है, और इस लोहे वाले का सुराख जल्दी से गल जाता है फ्रेंड्स, और इसका सुराख काफ़ी चौड़ा बेडोल हो जाता है, इस तरह इसकी वजह से इस तरह का फॉल्ट आप जो अभी मैंने आपको दिखाया लाइटर से जलाने पर इस तरह का फॉल्ट आ जाता है। तो फ्रेंड्स अभी देखने में ये बर्नर बिल्कुल सॉलिड और मजबूत है और नया भी है, लेकिन सिर्फ सुराख का फॉल्ट हो जाने से, इसलिए पीतल का यदि आप लगाएंगे तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है, इसका सुराख जस का तस नए जैसा बना ही रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं नए बर्नर को लगा के आपको चेक करके दिखाता हूँ, मैंने नए बर्नर को लगा दिया है और मैं लाइटर की मदद से आपको चेक करके दिखाऊँगा। जैसे गैस को ऑन कर दिया और एक ही बार में लाइटर से ये देख रहे हैं पूरी तरह से ये जल रहा है। चलिए मैं छोटे बर्नर को भी जला लेता हूँ, अभी लाइटर की मदद से बिल्कुल आसानी से एक ही बार में देख रहे हैं मैंने टिक किया और ये आराम से जल रहा है, फुल धीमा कर दिया मैंने, ये चूल्हा हमारा अच्छी तरह से जल रहा है, ये फुल पर है फ्रेंड्स। इस तरह से ये फॉल्ट जो था लाइटर से जलाने पर भुक भक की आवाज़ वाला, यहाँ पाइपों में जो आग नीचे चली जा रही है, यहाँ मिक्सिंग ट्यूब में के पाइप में आग जल रहा है आवाज़ के साथ, ये सब समस्या दूर हो जाती है। इस तरह का यदि फॉल्ट आपके चूल्हे में है जलाने पर तो आप क्या क्या करना है, घबराना नहीं है, बस इस बर्नर को ही आपको चेंज कर देना है, पीतल का चाहे लगा लें चाहे लोहे का लगा लें, लोहे का लगाएंगे जल्दी ख़राब होगा, सस्ता भी है, ब्रास का लगाएंगे महंगा है लेकिन लंबा चलता है, तो फ्रेंड्स बस यही आपको करना होगा। मैं समझता हूँ इस तरह का फॉल्ट आप सब इस वीडियो को देखकर आसानी से दूर कर पाएंगे, आपको कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस बर्नर को चेंज कर दीजिए, इस तरह का फॉल्ट सॉल्व हो जाएगा। भकभक की आवाज़, गड़गड़ाहट की आवाज़ या अंदर मिक्सिंग ट्यूब में जो आग पकड़ लेता है, ये सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।